Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Embark Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. नमस्कार मौशानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। अमीरुद्दीन चौधरी ने हुमनाबाद जेल में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की दी बधाई। अमीरुद्दीन चौधरी ने 73वें गणतंत्र दिवस पर हुमनाबाद जेल में भाषण देते हुए कहा कि डिपार्टमेंट की वजह से मैं यहां जेल में आया हूं, और कहा कि जिस तरह जेल में हम सब हिंदू मुस्लिम मिलकर रह रहे हैं और खा पी रहे हैं, वही हम बाहर भी करेंगे तो देश में कोई दंगे फसाद नहीं होंगे। यहां हम जेल में किसी न किसी कोई न कोई जुर्म करके आए हैं, मैं भी जो यहां आया हूं वो डिपार्टमेंट की मेहरबानी है, और कहा कि आज तक मैंने कोई झगड़ा मारपीट नहीं की, मैं सिर्फ लोगों के बीच कॉम्प्रोमाइज करने जाता हूं, और जेल में रह रहे लोगों के लिए खुदा से दुआ करते हुए कहा कि जिस तरह से जेल में सुख शांति से रह रहे हैं उसी तरह बाहर भी रहे और जल्द ही इनकी सजा खत्म हो, ऐसी दुआ की। हाल ही में आला नगर के पास वाले झोपड़पट्टी की जगह को लेकर झगड़ा हुआ था, उसी के चलते अमीरुद्दीन चौधरी पर फेसबुक कर हुमनाबाद जेल भेजा गया और वही इन्होंने ये भाषण दिया। आर के गिरी सिल्क एंड सारी, राज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस। आज का दिन मुबारक, आज़ादी का दिन हम सबको मुबारक हो। और मैंने एक समझ में आया कि यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम में इत्तेफाक है, ऐसी इत्तेफाक पूरा हमारे देश में रहना चाहिए। यहाँ पर हम सब मिलकर बैठकर खाना खा रहे, बातचीत कर रहे, तो ये बड़ी मेरे को खुशी हो गई है। ये हालत हमारे हिंदुस्तान में इसी तरह से रहा तो कोई प्रेशर आना होता है ना, एक दूसरे के साथ दुश्मनी होती है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हिंद से मुझे हवा आ रही है, बोले अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आप तो जानते हैं, गुरु से ही पूछिए। आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझे इसी हिंद से ठंडी हवा आ रही है। जब इसी हिंद से जब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तो फिर हमारे पास एंड क्योर होम्योपैथिक क्लिनिक, कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर ऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स। उस्ताद गौड़ी होटल शॉप फॉर सेल, SVS टायर्स, टोटल टायर सॉल्यूशन इन वन यूनिट। फरमाते हैं तो फिर हमारे पास ये झगड़े क्यों, हमारे पास ये नाइंसाफी क्यों, हमारे पास ये एक दूसरे के संगात लड़ाई झगड़े मारम तोड़ी क्यों, जब अल्लाह के रसूल आज से 1400 साल पहले फरमाते। हर गुरु जानते हैं कि ये वाकयात कैसे है, तो मैं बोलूँ सच है या गलत है, मुस्लिम तो जानते हैं लेकिन पूरे हिंदू भाई भी जानते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये हिंदुस्तान में ठंडी हवा रही है। उनके नवाज से खुद भी हिंदुस्तान आने को चाह रहे थे, अरब से हिंदुस्तान आने चाह रहे थे। तो इसलिए मैं सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ, अल्लाह ताला जिसकी भी जो भी सजा करे हैं वो उनसे माफ़ कर दो, अल्लाह जो है उनको इंसाफ मिलन दे, और सब मिलकर बाहर भी गए तो इत्तेफाक से इत्तेफाक करो, झगड़े टंटे मत करो। और हम भी जो यहाँ आए हैं तो हमारे डिपार्टमेंट की मेहरबानी से आई, कभी मैं लड़ा भी नहीं, हर एक का कॉम्प्रोमाइज कराता हूँ। खरों नसीब भी था, आज 26 जनवरी मुबारक दिन देखने का था, यहाँ पर आया हूँ। मैं आप सबसे अदबन गुजारिश करता हूँ, ये करो, एकता से रहो, अच्छे रहो, बस मेरी यही दुआ है आपसे। जय हिंद, जय करना।